हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो यहाँ देखिए आप फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कंसेप्ट होता है उसमें ये होता है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू. ये हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल आता है उसमें कुछ नहीं करना, जहाँ पर पी है वहाँ एक्स, जहाँ क्यू है वहाँ पर वाई रखना है, देन ए बी. ये इसका क्या आएगा, कंप्लीट इंटीग्रल आएगा. और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये जो कंप्लीट इंटीग्रल आया इसमें से जो कांस्टेंट ए और बी है इनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए और जीरो पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बी, जीरो पुट करेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को या इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख के हम ए और बी को एलिमिनेट करेंगे. एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पर क्या होगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सिंगुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास x प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो. तो बेटा यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आएगी माइनस एक्स बाई टू. इसी टाइप से हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू b तो ये आएगा आपके पास y प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का y बाई टू. ये a और ये b की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, हम इस सॉल्यूशन में रखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल में. सो z इज इक्वल टू यहाँ इसकी वैल्यू आएगी माइनस का x बाई टू इंटू एक्स माइनस का y बाई टू इंटू वाई, और इसका स्क्वायर आएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर. एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस का वाई स्क्वायर बाय फोर. ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आता है. एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ बेटा. इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका कंप्लीट इंटीग्रल. सो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी लेंगे. ये तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है. नाउ सिंगल इंटीग्रल में क्या करते हैं, इसको हम ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन ए बी, और ये आएगा बी, बी से बी कैंसिल. सो आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है माइनस वन अपॉन ए. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू b, b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, y प्लस वन अपॉन ए बी, और a आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही, माइनस का वन अपॉन बी. या आप ऐसा कर सकते हो कि जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे b की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस वन अपॉन वाई. ये a और ये b की वैल्यू दोनों वैल्यू उठा कर रखेंगे हम यहाँ रखेंगे. सो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, a की वैल्यू हमारे पास माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन वाई इंटू वाई प्लस लॉग माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये आएगा वन अपॉन एक्स वाई. तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा माइनस वन माइनस वन माइनस का लॉग एक्स वाई. सो जेड इज इक्वल टू माइनस टू लॉग एक्स वाई माइनस का. सो दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो जेड इज इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ऑफ दिस इज पी एंड दिस इज q. ओके, सो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जहाँ पर p और q है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, a और b रखेंगे. नाउ सिंगुलर इंटीग्रल के अंदर क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये आएगा आपके पास x और ये आएगा c, टू रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास टू ए, दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ डेल z बाय डेल b निकालेंगे तो ये आएगा y प्लस c, ये आएगा 2b अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. आप देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल, माइनस का ए सी अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज x. ओके, और इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी माइनस का सी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज y. ये x और y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर रखेंगे, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे. तो जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो z की वैल्यू आएगी आपके पास c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन आप क्या करेंगे, जो भी x और y और z है इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो आप देखेंगे जब इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो
तो ये आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आएगा आपके पास सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होगा तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने डिस्कस करी, और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पी भी आता है, क्यू भी आता है, एक्स भी आता है, वाई भी आता है और जेड भी आता है। यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है कंप्लीट इंटीग्रल, एक होता है सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं, एक बार एक्स को जेड को ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, एक बार जेड को बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, ए और बी को जो कंप्लीट इंटीग्रल है वहाँ से हम उसको एलिमिनेट करते हैं, राइट। सो मैंने आपके सामने अभी चारों स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करी, मेरे पहले जो तीन वीडियोस थे उस पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड, और उससे पहले मैंने लैग्रेंजेस मेथड डिस्कस किया था, लैग्रेंजेस फॉर्म को सॉल्व करना सिखाया था। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर के लिए, सो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट वाले वीडियोज़ हैं, तो आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।